हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं और तैयारी कैसे चल रहा है? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी भी फंटास्टिक चल रही होगी। बच्चों, आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग वर्ड्स के ऊपर बात करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे हार्डविक के इंट्रोडक्टरी के लेसन 6 के ऊपर। अभी कुछ समय से हार्डविक सीरीज को हम लोग कंटिन्यू रख रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि वर्ड्स एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और वर्ड्स से डायरेक्ट सवाल आते हैं। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स, फ्रेजल वर्ब और फिल इन द ब्लैंक्स क्लोज टेस्ट, यानी कि पूरा का पूरा जो आपका इंग्लिश पेपर है वो वर्ड की ओर वो केंद्रित है। वर्ड इंप्रूवमेंट के लिए हार्डविक एक रामबाण की तरह काम करता है। हार्डविक की सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग लेसन 6 के ऊपर बात करेंगे। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स को रखा गया है। बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो सेशन को शुरू से अंत तक देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे जरूर अपने ग्रुप में शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें। आप वीडियो को लाइक करें, अपना फीडबैक दें, आपको वीडियो में और क्या चीज की जरूरत है और इंप्रूव करने के लिए क्या किया जा सकता है, अपने ओपिनियन को जरूर दें। तो चलिए, इस वीडियो सेशन के फर्स्ट वर्ड को हम लोग देखते हैं। फर्स्ट वर्ड हमारा है एडवांटेजियस। हमारा जो फर्स्ट वर्ड है वो है एडवांटेजियस। एडवांटेजियस का मतलब क्या होता है? अगर कोई चीज किसी मामले में एडवांटेजियस है, यानी कि वो सहायक है, उपयोगी है, लाभदायक है। एक ही चीज है, शब्द अलग अलग है। एडवांटेजियस का मतलब लाभदायक, उपयोगी। चलिए, सिनोनिम्स क्या है? सिनोनिम्स का मतलब है कि अगर हमको उपयोगी कहना है, लाभदायक कहना है, तो एडवांटेजियस के जगह पर हम और क्या वर्ड रख सकते हैं? तो उसके लिए सिनोनिम से बेनिफिशियल, हेल्पफुल, फेवरेबल, फ्रूटफुल और भी कई सिनोनिम्स हैं, लेकिन ये सभी इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स है एडवांटेजियस के लिए। चलिए, इसका अपोजिट क्या होगा? इसका एंटो क्या होगा? एडवांटेजियस का एंटो का डिसएडवांटेजियस है ना, एडवांटेजियस का एंटो का डिसएडवांटेजियस, और एक और एंटो होगा डेट्रीमेंटल। इन दोनों का हिंदी क्या होगा? जो उपयोगी नहीं है, जो सहायक नहीं है, आप समझ सकते हैं इसका हिंदी क्या होगा? असुविधाजनक, हानिकारक। तो बच्चों, ये एडवांटेजियस एक इंपॉर्टेंट वर्ड है। चलिए, हम लोग इस पर एक सेंटेंस को देखते हैं। सेंटेंस क्या कर रहा है? राम मंदिर आंदोलन ने बीजेपी को लाभ की स्थिति में रख दिया। राम मंदिर से बीजेपी को कहीं ना कहीं लाभ मिलता दिखाई दे रहा है, ऐसा एक सेंटेंस है। रियलिटी से इसका कोई मतलब नहीं है। चलिए, इसको कैसे सेंटेंस हम डील करेंगे? द राम टेम्पल मूवमेंट, राम मंदिर आंदोलन। अभी सिंपल पास्ट टेंस में यह वाक्य दिया गया है। सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य कैसे हम डील करेंगे? सब्जेक्ट प्लस वी2 प्लस ऑब्जेक्ट के माध्यम से। चलिए, अब यहां पर राम मंदिर आंदोलन जो है ना, ये सब्जेक्ट का काम करेगा, चूंकि यहां पर यह डूअर है। ठीक है, चलिए, द राम टेम्पल मूवमेंट। चलिए, अब इसके बाद हम वी2 का इस्तेमाल करेंगे, तो रखने के लिए पुट। ठीक है, पुट का वी2 पुट ही होता है। ठीक है, द बीजेपी इन एडवांटेजियस पोजीशन। तो एक एडवांटेजियस का एक बहुत अच्छा यूज है एडवांटेजियस पोजीशन। कोई व्यक्ति किसी मामलों में एडवांटेजियस पोजीशन में होता है, कोई नहीं होता है। चलिए, अब एक दूसरे सेंटेंस को देखा जाए। कर है क्या? समझौता दोनों देशों के हित में होगा, यानी कि दोनों देशों के लिए फेवरेबल होगा, दोनों देशों के लिए सहायक होगा। हित का मतलब यहां पर एडवांटेजियस से हमको लेना है। चलिए, कैसे हम लिखेंगे? समझौता, समझौता के लिए वर्ड क्या है? द एग्रीमेंट होगा, फ्यूचर टेंस में है, विल बी एडवांटेजियस टू बोथ कंट्रीज। तो बच्चों, ये एडवांटेजियस का यूज रहा। हम आते हैं सेकेंड वर्ड की ओर, बामी। इसको पढ़ेंगे बामी, एल साइलेंट होगा, यहां पर एल का उच्चारण हम नहीं करेंगे। इसको पढ़ेंगे बामी। बामी एडजेक्टिव है। बामी का मतलब क्या होता है? सुहावना, खासतौर पर हवा या मौसम, हवा या मौसम के मामलों में यह बामी का इस्तेमाल होता है। चलिए, सिनोनिम्स क्या होगा? मतलब बामी के जगह पर हम और क्या यूज कर सकते हैं? माइल्ड, जेंटल। अगर कोई मौसम, अगर माइल्ड मौसम है तो अच्छा मौसम है। चलिए, सुहावना है। एक्सप्लेनेशन, इसको तोड़ के कैसे लिखेंगे? वार्म एंड प्लीजेंट, यानी कि थोड़ा हल्का गर्म होगा और मतलब सुखद लगेगा। एक ऐसा हवा या मौसम जो हल्का हल्का गर्म हो और सुखद हो, तो वो जो मौसम होगा वो बामी मौसम होगा। चलिए, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? हार्स, कठोर। चलिए, एक सेंटेंस इस पर देखा जाए। हम लोगों ने सुहावनी शाम का लुत्फ उठाया, है ना, एक सेंटेंस है। कह रहा है क्या? हम लोगों ने सुहावनी शाम का लुत्फ उठाया। चलिए, सुहावनी, तो सुहावनी का अंग्रेजी यही हो जाएगा बामी इवनिंग। चलिए, पूरा सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे? वी सिंपल पास्ट टेंस में दिया गया है, सब्जेक्ट प्लस वी2 प्लस ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर यहां हम इस्तेमाल करते हैं। हम लोग के लिए वी हो गया,
चलिए लुत्फ उठाया मतलब आनंद लिया, तो इंजॉय हो गया, ब्यूटी इंजॉयड हो गया। आपने किस चीज का लुत्फ उठाया भाई? तो सुहावनी शाम का, बामी इवनिंग। तो ये बच्चों ये बामी का ये यूज रहा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कैंपस, कैंपस का मतलब क्या होता है? स्कूल कॉलेज तथा विश्वविद्यालय का क्षेत्र या परिसर या कंपाउंड कह लीजिए, है ना, वो एरिया जिसमें कि कॉलेज है, स्कूल है अथवा यूनिवर्सिटी है, उसको कैंपस कहते हैं। कैंपस के साथ सबसे बड़ा बात है ना, लाख टके की बात क्या है कि कैंपस के साथ प्रीपोजिशन हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं। हिंदी युग में कैंपस में, लेकिन इनके जगह पर हम कैंपस के साथ प्रीपोजिशन ऑन का इस्तेमाल करेंगे। और वो कैंपस के बाद नहीं, कैंपस के पहले। हमें कैंपस के बाद प्रीपोजिशन नहीं देना है, हमें कैंपस के पहले देना है, ठीक है। चलिए अब ये इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, कैंपस का इंग्लिश एक्सप्लेनेशन क्या है? द एरिया एंड बिल्डिंग, वो एरिया होगा और बिल्डिंग होगा अराउंड यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूल, ठीक है ना, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के जो एरिया होते हैं और उसमें जो भवन होते हैं, इन दोनों को मिलाकर के कैंपस कहा जाता है। चलिए अब कहना कि कैंपस में, तो ऑन द कैंपस, कैंपस के बाहर तो ऑफ द कैंपस, ये ऑन और ऑफ इसके साथ लगने वाला वर्ड है, ठीक है। मेक अंग्रेजी यहां पर इन नहीं होगा, अगर कहना है कि वो कॉलेज के कैंपस में है तो यहां इन द कैंपस ऑफ कॉलेज नहीं होगा, ऑन द कैंपस ऑफ कॉलेज होगा। चलिए कॉलेज के कैंपस में एक रक्तदान शिविर आयोजित हुआ, ठीक है ना, एक ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किया गया कॉलेज के कैंपस में, हमको ऐसा वाक्य बनाना है। चलिए कैसे लिखेंगे, चलिए एक रक्तदान शिविर के लिए क्या लिखेंगे, ए ब्लड डोनेशन कैंप, ठीक है, आयोजित किया हुआ मतलब किया गया, यानी कि वाक्य को पैसिव चाहिए, वाज ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। चलिए कहां पर, ऑन द कैंपस ऑफ द कॉलेज, कॉलेज के कैंपस में। तो बच्चों कैंपस का ये यूज हुआ। हम बात को हम लोग आगे लेके चलते हैं। तो कैटर, कैटर वर्ब है, पहले इसको समझ लिया जाए, कैटर वर्ब है। प्रीपोजिशन अपने साथ या तो टू लेगा या तो फोर लेगा, मतलब ये टू और फोर लेने वाला ये वर्ड है। कैटर वर्ब है और इसका मतलब क्या होता है, उपलब्ध करना या परोसना। आप कोई चीज खाना पीना देते हैं तो आप उसको कैटर करते हैं, कैटरिंग। आप देखेंगे कि कैटरिंग व्यवस्था है, उसमें खाना उपलब्ध कराया जाता है। अगर कोई अगर फर्म अगर कैटरिंग व्यवस्था देती है तो यानी कि वह खाना उपलब्ध कराती है। चलिए सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, प्रोवाइड फूड फॉर सर्व, ठीक है ना, ये दोनों इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे कैटर के। चलिए अब जैसे एक सेंटेंस से कैटर को समझा जाए, करेक्ट है, दिस इज द बेस्ट होटल, करेक्ट है, दिस इज द बेस्ट होटल दैट कैटर्स फॉर वेजिटेरियंस, यानी कि ये होटल जो है ये सबसे अच्छा होटल है जो कि शाकाहारी लोगों के लिए भोजन उपलब्ध कराती है। चलिए करेक्ट है, दिस होटल कैटर्स टू योर एवरी नीड, ये करेक्ट है, यह होटल तुम्हारे सभी जरूरतों को पूरा करेगा। तो बच्चों ये कैटर का इस तरह से हम यूज करते हैं, बात को देखा जाए एक दूसरे तरह से भी कैटर का यूज होता है। जब आप कोई चीज परोसते हैं भोजन के अतिरिक्त, तो उस मामले में भी परोसने के लिए हम कैटर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप इस वाक्य को देखिए, आजकल ज्यादातर जो फिल्में हैं दर्शकों को क्या परोस रहे हैं, हिंसा और अश्लीलता। आजकल की जो फिल्में हैं वो ज्यादातर फिल्में ये दर्शकों को क्या परोस रही है, तो हिंसा और अश्लीलता। चलिए आजकल ज्यादातर फिल्में दर्शकों को हिंसा और अश्लीलता परोस रहे हैं, यहां भी परोसने के लिए जो वर्ड होगा वो कैटर होगा। यानी कि भोजन के अलावा अगर आप किसी को कुछ देते हैं, परोसते हैं, तो उस मामले में भी हम कैटर का यूज करते हैं। जैसे नावाडेज, आजकल के लिए नावाडेज मोस्ट मूवीज आर कैटरिंग, परोस रहे हैं, कंटिन्यूअस टेंस है, आर कैटरिंग, क्या कैटरिंग कर रहे हैं भाई, वायलेंस हिंसा एंड वल्गैरिटी अश्लीलता भद्दापन ना टू द स्पेक्टेटर्स। आज ये स्पेक्टेटर्स दर्शकों को ये क्या दे रहे हैं, तो वायलेंस दे रहे हैं और ये वल्गैरिटी दे रहे हैं। चलिए ये तो कैटर हमारा रहा। आगे वर्ड है करेंसी, करेंसी का मतलब देखिए, एक तो नोट होता है करेंसी, है ना, हर एक देश का अपनी अपनी करेंसी है, भारत के करेंसी का नाम रुपया है। एक करेंसी का तो मतलब वहां नोट से मतलब है, एक करेंसी का मतलब क्या होता है, चलन, मान्यता, स्वीकार्यता। यदि कोई चीज करेंसी में है यानी कि आजकल उसका चलन है, लोगों ने उसको एक तरह से मान्यता दे दिया है, वो चीज चल रहा है, ठीक है। चलिए इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, प्रीवैलेंस, सर्कुलेशन और एक्सेप्टेंस, इसके तीन बढ़िया सिनोनिम्स है करेंसी के। अब इसके यूज से करेंसी को समझा जा सकता है कि करेंसी का हम यूज कैसे करेंगे। करेक्ट, एक देश एक चुनाव, आप लोग अक्सर सुने होंगे आजकल मीडिया में ये बात अक्सर देखने को मिलेगा, एक देश एक चुनाव के विचार को स्वीकारा जा रहा है। मतलब पहले लोग ये सोचते थे कि एक देश एक चुनाव संभव नहीं है, इतना बड़ा देश में राज्य और केंद्र का चुनाव एक ही समय पर हो जाए तो ये संभव नहीं है। लेकिन अब धीरे धीरे लोगों में ये एक्सेप्टेंस पा रहा है, मतलब लोग धीरे धीरे इस आइडिया को स्वीकार करते जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है, अर्थात
लोग ये मान के चल रहे हैं कि देश में एक ही चुनाव होना चाहिए, अब वो इसके लिए एग्री है। चलिए अब इसको हम कैसे सेंटेंस के रूप में डील करेंगे, द आइडिया ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र और एक इलेक्शन इज गेनिंग करेंसी। देखिए ये अगर आप मान्यता स्वीकार कर रहे हैं तो करेंसी का वर्ब कैसे बनेगा, गेन, है ना, करेंसी को गेन किया जाता है, मान्यता को प्राप्त किया जाता है। चलिए तो ये हमारा सेंटेंस रहा करेंसी के ऊपर, हम बात को आगे लेके चलते हैं। करें एलिवेटेड, एलिवेटेड एडजेक्टिव है, पार्ट ऑफ स्पीच से एलिवेटेड, इसमें ईडी लगा हुआ है तो ये एडजेक्टिव है। एलिवेटेड का मतलब क्या होता है, ऊपर की ओर उठा हुआ, यदि कोई चीज अगर एलिवेटेड है तो ऊपर की ओर उठा हुआ, जमीन से ऊपर है ना, वो जमीन पर नहीं, जमीन से ऊपर है, ठीक है ना, उच्चतर, छोटा हिंदी उच्चतर हो जाएगा। चलिए अब इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, रेज्ड, उठा हुआ, लॉफ्टी, ऊंचा, एग्जाल्टेड, ऊंचा, हाई, ऊंचा, ये सबका मतलब एक ही, उच्चतर, है ना, जमीन से ऊपर उठा हुआ। चलिए इसको एक्सप्लेनेशन से आप बेहतर समझ सकते हैं, एलिवेटेड को अगर समझना है तो एक्सप्लेनेशन की ओर जाइए, है ना, रेज्ड अबव द ग्राउंड, जमीन से ऊपर, है ना, जो चीज होता है वो क्या होता है, वो एलिवेटेड होता है, है ना, अगर कोई चीज अगर जमीन से ऊपर है तो एलिवेटेड है। अच्छा, हायर देन नॉर्मल, यदि वो अगर नॉर्मल से ज्यादा है तो भी हम उसके लिए एलिवेटेड का इस्तेमाल करते हैं, यदि कोई चीज नॉर्मल से ज्यादा है तो उसके लिए भी एलिवेटेड, और जमीन से ऊपर है उसके लिए भी एलिवेटेड। चलिए इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, एंटो का जगह लोली बेस, निचला, उच्चतर का अपोजिट क्या होगा, निचला। जैसे आप इस चीज को देखिए, एलिवेटेड हाईवे, एक हाईवे बनाया जा रहा है, तो ये हाईवे कैसा होगा, ये जमीन से ऊपर उठा हुआ हाईवे होगा, ठीक है, तो ये एलिवेटेड, जैसे ब्रिज होते हैं जमीन के ऊपर, ब्रिज होते हैं ना, हाईवे जो फ्लाईओवर क्या होते हैं, एलिवेटेड होते हैं, है ना, जो फ्लाईओवर क्या होते हैं, एलिवेटेड होते हैं, वो जमीन से ऊपर उठे हुए होते हैं। जैसे एलिवेटेड ब्लड प्रेशर, अब एलिवेटेड ब्लड प्रेशर का यहाँ क्या सेंस है, नॉर्मल से ज्यादा ब्लड प्रेशर, नॉर्मल से ज्यादा शुगर, एलिवेटेड शुगर लेवल, अगर हम इसी तरह से लिख सकते हैं, एलिवेटेड शुगर लेवल, अगर किसी व्यक्ति में अगर बहुत ज्यादा शुगर लेवल है तो एलिवेटेड शुगर लेवल है, मतलब कि मोर देन नॉर्मल। चलिए बात को हम लोग आगे की ओर देखते हैं, इवैक्यूएट, बहुत अच्छा वर्ड, इवैक्यूएट बहुत अच्छा वर्ड है, इवैक्यूएट का मतलब क्या होता है, लोगों को खतरनाक स्थान से हटाकर सुरक्षित स्थान पर ले जाना, कोई खतरनाक स्थान है वहां से हटा करके आप उनको सुरक्षित स्थान पर ले जाते हैं तो आप उसको इवैक्यूएट करते हैं, है ना, किसी स्थान को छोड़ते हैं क्योंकि वो डेंजरस है इसलिए छोड़ते हैं, तो आप उस जगह को इवैक्यूएट करते हैं। चलिए इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, रिमूव, हटा देना, लीव, छोड़ देना, वैकेट, छोड़ देना, अबैंडन, छोड़ देना, सबका मतलब होता है हटा देना, छोड़ देना किसी जगह को, क्यों, क्योंकि वो जगह सुरक्षित नहीं है। चलिए इसका एंटो क्या होगा, इसका अपोजिट क्या होगा, रिटर्न, वापस लौटना। चलिए अब एक आप इस सेंटेंस को देख सकते हैं, ठीक है ना, इवैक्यूएट को समझने के लिए, एक गुप्त सूचना पर काम करते हुए पुलिस ने इमारत को खाली करने का आदेश दे दिया, क्योंकि इमारत में हो सकता है कि कुछ बम वगैरह रखा गया हो, पुलिस को कहीं से खुफिया सूचना मिली, पुलिस ने इमारत को खाली करने का आदेश दे दिया, ठीक है। चलिए एक्टिंग ऑन ए टिप ऑफ, देखिए ये जो गुप्त सूचना होता है ना, जो टेलीफोन से दिया जाता है, जैसे कि कोई आप देखिएगा कोई व्यक्ति है जो कि पुलिस को फोन करके किसी चीज के बारे में बताता है, फिर फोन काट देता है, उस सूचना को जो कि टेलीफोन के माध्यम से सूचना दिया जाता है, उस सूचना को कहते हैं टिप ऑफ, उसका एक अलग अंग्रेजी ही है, ठीक है ना। तो कह रहे कि एक गुप्त सूचना पर काम करते हुए, है ना, एक्टिंग ऑन टिप ऑफ, है ना, टिप ऑफ का मतलब गुप्त सूचना जो कि पुलिस को फोन से दिया जाता है, द पुलिस ऑर्डर द रेसिडेंट्स, मतलब उस बिल्डिंग में रहने वाले लोगों को ना ऑर्डर दिया जाएगा। चलिए द पुलिस ऑर्डर द रेसिडेंट्स टू इवैक्यूएट द बिल्डिंग, की वो बिल्डिंग को खाली कर दे। तो बच्चों ये इवैक्यूएट का यूज रहा। आगे बात को देखा जाए, गैट, गैट का मतलब क्या होता है, चलने का तरीका, आप कैसे चलते हैं, आपका चाल कैसा है, है ना। तो चलिए गैट, इसका साइनो क्या हो जाएगा, वॉक, स्टेप और पेस, है ना, ये सबका मतलब चाल होता है। चलिए ही हैज एन ऑकवर्ड गैट, ऑकवर्ड का मतलब बेढंगा, अब वो जब चलता है तो वो बेढंगा की तरह चलता है, मतलब बेढंगा चाल, उसका जो चाल है वो बेढंगा चाल है, उसका जो चाल है वो बेढंगा चाल है। चलिए ये तो गैट का अर्थ रहा, हम लोग बात को आगे लेके चलते, गॉडी, गॉडी एडजेक्टिव है, पहले आप ऐसा समझे, गॉडी एडजेक्टिव है, गॉडी का मतलब क्या होता है, भड़कीला, चटकीला, मतलब बहुत ज्यादा चमक आ जाना किसी चीज में तो उसको वो गॉडी बना देता है। भड़कीला का मतलब क्या हुआ, अगर लाल है तो सुपर लाल, पीला है तो सुपर पीला, ठीक है ना, तो इस तरह के जो कलर होते हैं वो गॉडी होते हैं। अब इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, गैरिस, अत्यधिक चमकीला, फ्लैशी, ओवर ब्राइट, आप ओवर ब्राइट से आप समझ सकते हैं,
आप इस बॉडी को ओवरब्राइट से समझ सकते हैं। चलिए इसका एंटो क्या हो जाएगा, ड्राइव फीका। जैसे आप इस वाक्य को देखिए, द रूम वाज गॉडली पेंटेड, यानी कि रूम को ना भड़कीला कलर से, चटकीला कलर से पेंट किया गया था। गॉडली पेंटेड है, पेंटेड वर्ब है तो हमें एडवर्ब की जरूरत है। गॉडी का एडवर्ब क्या होगा, गॉडली हो जाएगा, ठीक है ना। द रूम वाज गॉडली पेंटेड। चलिए हम लोग बात को आगे लेके चलते हैं। जैसे कि गॉडी कॉस्ट्यूम, कॉस्ट्यूम का मतलब पोशाक। अब एकदम चमकीला पोशाक है ना, एकदम चमक रहा है, ओवर ब्राइट है उसमें, है ना। गॉडी ज्वेलरी, एकदम भड़कीला जो रक्त आभूषण है वो भड़कीला, बहुत ज्यादा ब्राइटनेस है उसमें, है ना। और इसी तरह से गॉडी कलर्स होते हैं, भड़कीला रंग। चलिए हमारा अगला जो वर्ड है वो हैमलेट है। हैमलेट का मतलब क्या होता है, छोटा सा गांव, बस्ती, कस्बा को ना हैमलेट कहा जाता है। स्मॉल विलेज, जो स्मॉल विलेज है ना वो हैमलेट कहलाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। मैम, मैम का मतलब क्या होता है, मैम पार्ट ऑफ स्पीच से वर्ब है। मैम का मतलब होता है अपाहिज कर देना, अपंग बना देना। अगर कोई चीज अगर आपको मैम करता है, आपको अपाहिज बना देता है, आपको अपंग कर देता है। चलिए इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, इंज्योर, उंड, इनकैपेसिटेट। बहुत बढ़िया वर्ड, इनकैपेसिटेट बहुत बढ़िया वर्ड है, अंग भंग कर देना। इनकैपेसिटेट का मतलब क्या होता है, अगर शुद्ध अगर हिंदी कहा जाए, अंग भंग कर देना, मतलब एक तरह से अपाहिज बना देना, ठीक है ना। अंग भंग कर देना मतलब अपाहिज बना देगा, इंपेयर। चलिए ये सारे शरीर के अंग के लिए आते हैं, ठीक है। कह रहा है क्या कि थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर किल्ड और मैम्ड इन रोड एक्सीडेंट्स एवरी ईयर, यानी कि हजारों लोग है ना, या तो वो मार दिए जाते हैं रोड एक्सीडेंट्स में, या तो वो मैम हो जाते हैं, मतलब कि अपंग हो जाते, अपाहिज हो जाते हैं। चलिए ये तो मैम की बात हो गई। आउटले, आउटले का क्या मतलब है, तो आउटले का मतलब को पहले समझते हैं। आउटले का मतलब होता है लागत या व्यय, है ना। जो पैसा आदमी लगाता है किसी चीज पर, तो वो जो पूंजी लगती है, जो पैसा किसी चीज पर लगाया जाता है, लागत राशि जो होती है ना, उसको आउटले कहा जाता है। आप लागत, लागत राशि समझिए तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा, ठीक है ना। लागत राशि के लिए वर्ड है वो है आउटले। चलिए इसका साइनो क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर या कॉस्ट, ठीक है। चलिए एक्सप्लेनेशन क्या है, तोड़ के समझाया गया है, एन अमाउंट ऑफ मनी दैट इज स्पेंट, यानी कि वो रकम जो कि खर्च किया जाना है, उस रकम को कहते हैं आउटले, उस रकम को कहा जाता है आउटले। जैसे मेंटेनिंग द बिजनेस रिक्वायर्स मैसिव आउटले, इसका मतलब क्या हुआ कि बिजनेस को बनाए रखने के लिए है ना भारी पूंजी की जरूरत है, भारी पैसे की जरूरत है। चलिए तो ये बच्चों ये आउटले रहा। हम आगे बात को लेकर चलते हैं प्राइम। प्राइम का मतलब क्या होता है, मुख्य प्रधान, मुख्य या प्रधान। अगर कोई जैसे प्राइम टाइम है, प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है ना, प्राइम इशू है, तो इसका मतलब, प्राइम का मतलब होता है मेन। चलिए मेन, चीफ, पारामाउंट और प्राइमरी इसके सिनोनिम्स हैं, ठीक है। चलिए इसका एंटो क्या होगा, सेकेंडरी, सबऑर्डिनेट। गौण, गौण का मतलब क्या होता है, जिसका कोई महत्व ना हो। यदि कोई चीज सेकेंडरी है तो इसका मतलब उसका कोई महत्व नहीं है, यदि कोई चीज सबऑर्डिनेट है इसका मतलब उसका कोई महत्व नहीं है। तो गौण अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसको समझिए महत्वहीन, आप इसको समझिए महत्वहीन। चलिए अब इस पर थोड़ा सेंटेंस देखा जाए। समय पर मानसून का आना कृषि के लिए अति महत्वपूर्ण है। यदि समय पर मानसून आ जाए तो ये कृषि के लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। चलिए कैसे लिखा गया है, द टाइमली ऑनसेट ऑफ मानसून, यानी कि ये हो गया कि समय पर कृषि मानसून का आना, ये सब्जेक्ट हो गया। इज ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस, ये बहुत महत्व की बात है ना टू एग्रीकल्चर, कृषि के लिए। चलिए हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो रिपास्ट। रिपास्ट नाउन है और इसका मतलब होता है भोजन, ठीक है ना। इसका साइनो क्या हो जाएगा, मील, ट्रेडिशनल, जैसे कि ट्रेडिशनल रिपास्ट है ना, परंपरागत भोजन है ना, ये ट्रेडिशनल रिपास्ट, ये कोलोकेशन है रिपास्ट के साथ। चलिए हम लोग बात को आगे लेके चलते हैं। एडज्वाइन, एडज्वाइन का मतलब क्या होता है, अगर कोई चीज अगर किसी को एडज्वाइन करता है तो या तो उसके नजदीक होता है या तो जाकर सट जाता है। जैसे कि देखिए, ये अगर एक सर्किल है, अगर मैं दो सर्किल बनाऊं तो ये जो सर्किल है इस सर्किल के एडज्वाइन कर रहा है, या ऐसे भी हम एडज्वाइन कह सकते हैं कि ए जो है ना वो बी को एडज्वाइन कर, जाके सट गया। यहाँ भी ए जो है वो बी को एडज्वाइन कर रहा है, तो एडज्वाइन का मतलब नजदीक होना या जाके सट जाना। चलिए बी नेक्स्ट टू, बी एडजस्टेड टू, क्लोज बाई। चलिए दोनों रूम एक दूसरे से सटे हुए हैं, हमको ऐसा सेंटेंस बनाना है। कैसे लिखेंगे, बोथ रूम्स एडज्वाइन इच अदर, ठीक है, ये एडज्वाइन का यूज रहा। चलिए आगे देखते हैं एडजॉर्न। एडजॉर्न का मतलब क्या होता है, स्थगित करना। अगर आप कोई चीज को एडजॉर्न करते हैं, आप उसको स्थगित कर देते हैं, मतलब अभी हाल फिलहाल उसको आप नहीं करते हैं। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, सस्पेंड, पोस्टपोन, पुट ऑफ, डिले। ये पुट ऑफ जबरदस्त ये वर्ड है, एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से ये जबरदस्त है। अगर आप कोई चीज को पुट ऑफ करते हैं, आप उसको स्थगित कर देते हैं।
चलिए अब इस पर एक सेंटेंस को देखा जाए। एक सप्ताह के लिए सुनवाई स्थगित कर दिया गया, यानी कि जो कोर्ट की जो सुनवाई थी वो एक सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया गया। चलिए द हियरिंग वाज, ना कोर्ट का जो सुनवाई होता है उसके लिए वर्ड क्या हियरिंग है, ठीक है, द हियरिंग वाज एडजॉर्न्ड फॉर अ वीक। चलिए इसके बाद हमारा अगला जो वर्ड है वह है ऑक्सीडेंटल। ऑक्सीडेंटल का मतलब होता है पश्चिमी, यानी कि पश्चिमी देश, है ना, या पश्चिमी देश का मतलब यूरोपीय देश को पश्चिमी कहा जाता है। तो ऑक्सीडेंटल का मतलब पश्चिमी, इसको तोड़ के कैसे समझाया गया है, कनेक्टेड विथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का जो पश्चिमी भाग है वो आपका ऑक्सीडेंटल कहलाता है, जिसको आप छोटा हिंदी में पश्चिमी कहते हैं। ओरिएंटल, अब ओरिएंटल उसका अपोजिट हो जाएगा, ओरिएंटल का मतलब पूर्वी, है ना, कनेक्टेड टू द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो बच्चों आज के वीडियो सेशन में ये हम लोगों ने टोटल 18 वर्ड्स किए हैं, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। बच्चों एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को, अगर आप इस पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो से संबंधित जो फीडबैक आप देना चाहते हैं, इसके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप उस रास्ते से आप अपनी बातों को कह सकते हैं। आज की बात बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच।